चलिए पढ़ते हैं। पोले राई जेसन। अच्छा पोलराइजेशन पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से? अच्छा केमिस्ट्री में आया होगा। जिस जिसने पढ़ा है ना वो चैट बॉक्स के अंदर यस लिखो पहले। एक का जवाब आ गया। चलो पोलराइजेशन के अंदर ना दो चीज आवे। एक तो आवे पोलराइजेशन अनपोलराइज्ड लाइट और एक के आवे पोलराइज्ड लाइट। ठीक है अब एक बात तो कंफर्म है, जबकि चीज पोलराइज लाइट में है बे चीज या अनपोलराइज में कौन है। नहीं मत कोई दिक्कत को नहीं आ पाने। अब बात आवे अनपोलराइज लाइट की हुए और पोलराइज लाइट की हुए। अपन बेरो है लाइट का जगह पैकेट है बे सारी डायरेक्शन आगे अंदर है वाइब्रेट करे। आई बात है ठीक है। तो जबकि लाइट है सारी डायरेक्शन हम चाल है नहीं बिन बोला है अनपोलराइज्ड लाइट। और जकी लाइट कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चाल है ठीक है तो बिन के बोलागा पोलराइज्ड लाइट। कंफर्म है आप बात? एग्जांपल का तौर पर देखो थोड़ो सो वेव के तरिया मान लियो वो अपने कन कोई सोर्स है और इंगे अंदरों एज की यानी अपनी वेव निकलने आ रही है ठीक है। अब मैं अठे कोई गत्तो लगा दियो और बिन गत्ते के वहां यहाँ खड़े सुराख करती हो ठीक है। अब खड़े सुराख मकर आ वेव यहाँ पार निकल जाएगी नहीं छोटी तरिया जिसी आई है बीसी बार आ जाए कोई दिक्कत को नहीं। और अब आगे मैं एक गत्तो और रख दियो और बिंग अत्ता का मां सुराख में यहाँ लगा दी। अब आ लाइट जकी है अठे अड़ेगी यहाँ कर टपाई के आ कौन टप्स के क्यों क्योंकि इन लाइट को जो को एम्पलीट्यूड है वो इतो है और वो जो को आप लगाए हुए है जगह के अंदर इन टाइप को सुराख है तो बिंग वो एम्पलीट्यूड है वो की है कम है ठीक है नी यानी कि एक इंच की ऊंचाई है बा ज्यादा है और अड़े तक आप गत्तो रखे आप आडो गेट दियो तो बिंगी ऊंचाई है बाकी है कम है हालांकि लंबाई है। अच्छा अब सिमिलरली दोबारा कंसेप्ट देखो आ लाइट है और इंग अंदर के लगा दिया आप खड़े हो और कोई कोर बॉक्स है और इंग अंदर आप लगा दिए यहाँ पड़े ठीक है वो अपना सोर्स है अठवा पर लाइट काटिए ठीक है।
नाम ए दे दिया, इनका नाम बी दे दिया। ठीक है, अब ई लाइट ने उसको बी है सेकंड के इस मापा इन आगे रखा। अच्छा एक लाइट और लेके आने दे ताकि कंपैरिजन हो। इंगे सागर सागर एक वेव यहाँ हो चल लिया भाई। रुकेगी नहीं आप, यूं आगे कौन जावे? तो आठ है खत्म, कालती हट जाए खत्म, आज जो कि बैंगनी रंगी आ पहले ही हट खत्म। और अब अपनों सेकंड केस में आप आके काम करांगा, इन्हें आगे रख देंगा और इन्हें क्या कर देंगा खड़े कर वो सोर्स है अपनों। हाँ ये अपनी खड़ी वेव, आगे कौन जावे? और आज की लाइट है आई माकर पार निकलेगी लेकिन आठ आगे अड़चेगी यूं पार खुचा। ठीक है के क्यों? क्योंकि एज की दोनों लाइट है नी ए अलग अलग एनवायरनमेंट में या अलग अलग एम्पलीट्यूड खातर बनेगी। जब आप लिखियो नी स्पेसिफिक डायरेक्शन या मतलब के है ए चलेगी तो स्पेसिफिक प्लेन में चलेगी, और जकी लाइट वेव एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर चल लगी यानी कि एक प्लेन की डायरेक्शन में चल लगी तो वहां लाइट ऑन के बोला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आई बात? जबकि लाइट एक साइड या एक डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट करेगी बिना आप के बोलांगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब तो वेव की बात है, अब जब वेव ना हो तो आपने अगर मान लो पार्टिकल आर सिस्टम चलना जिसको दो तो आपने करके फर्क पड़ेगा। वो सोर्स है अठू लाइट निकली है बाकी निकली है किसी लाइट है हा अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखो सारी डायरेक्शन में क्या करना रही है प्रोपेगेट करना रही है, क्या करना रही है इंग अंदर खड़िया भी है जिसका अप एंड डाउन लाग रहा है इंग मा आगे पास सारी वाइब्रेशन भी है। ठीक है इंग मा जेड एक्सिस डायरेक्शन भी है और इनके अंदर इलो जेड भी है। ठीक है यानी कि चारों डायरेक्शन के अंदर क्या करना रही है वाइब्रेट करना आ रही है। और अब आप ई लाइट के आ गए वो लगा दियो। तो अब मैंने कोई बताओ कि इंग मा कर सकी ये लाइट निकलेगी किसी निकलेगी सिर्फ खड़ी वाइब्रेशन आवेगी नहीं यही टप्पेगी बाकी टप्पे को नहीं क्योंकि बाकी हम क्या हो जाएगी अड़ जावेगी इन दीवार के। तो आके है पोलराइज्ड लाइट है। समझ में आई बात? सेकंड केस अब क्या मैं बॉक्स लगायो और इनके अंदर इं सुराख रखती हूँ। ठीक है इनके अंदर जबकि लाइट निकलेगी बगीचे निकलेगी आ जाएगी नहीं। ठीक है तो आ लाइट अब क्योंगी पोलराइज लाइट होगी और आ किसी है
अनपोलराइज्ड है, लाइट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। रामिका जकी तू कह ला रही है पापी की सागई आवेगी, ठीक है, क्योंकि बिंगे बिना तो अपनी वेव आगे क्या चलेगी। ठीक है, तो ओ जगो तेरो आगे पाथ और सिस्टम है नहीं, ओ इन्हें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, इंगे सागा प्रोपेगेट करना आ रही है और आएंगे की है परपेंडिकुलर है, ये खड़ी चालन आ रही है नी, तो आ लाइट की है अपनी प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, देखिए बैक एंड फोर्थ आ रही है नी, इन्हें आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर काउंट कर लिया, क्या वो तो वेव ना आगे लेके जान ला रही है, वो ना हुआ तो फिर एक जगह खड़ी खड़ी वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक है, अठी चाल अठी ना तो वो करेगी सारा ही महाजावा क्या नहीं। ठीक, अब ये जगह आप लगाया है नी, इसकी डिवाइस है के काम करना रही है अनपोलराइज लाइट ने के बना हुआ है पोलराइज लाइट। ठीक है, तो इन डिवाइस ने बोला है पोलराइजर। ठीक है, मगजमाई यह बात। ठीक है, जबकि डिवाइस अनपोलराइज लाइट ने के बना दे पोलराइज लाइट बना दे, तो बिना पके बोलांगा पोलराइजर यानी कि पोलराइज करने वाला। उसके बाद पोलराइजर ने लाइट को किस तरह से पोलराइज कर रखा है। ठीक है, यानी कि हमने जो पोलराइजर लगाया है वो लाइट को किस डायरेक्शन में या कितने डिग्री एंगल के ऊपर पोलराइज कर रहा है, उस चीज का पता लगाने के लिए एक और डिवाइस लगाई जाती है और उसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर। क्या बोलेंगे, एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर का काम क्या होता है, एनालिसिस। वो मैं बताएगा कि लाइट की जो पोलराइजेशन हुई है वो कितने एंगल की हुई है, कौन से प्लेन की हुई, कैसे पता करेंगे। अब आ लाइट आई या आडी बड़ेड़ी या खड़ी चालन आ रही है, ये अपन दिखे थोड़ी है, अपन कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए गो। ठीक है, अब मान लियो आ लाइट अठू आई है, ठीक है, पोलराइज तो कर दियो, अब एनालाइज करनो है, एनालाइज करने खातर है जय मैं अठे इन्हें लगा दियूं, तो इन में आउटपुट को नहीं आवे नी, इनको मतलब के है इनके अंदर की लाइट पोलराइज हो गया ही है बा ई एंगल आ रही को नहीं। फिर के काम करांगा इन थोड़ो सो आप रोटेट कर देंगा, अब का आप कर देंगे अंदर है इं लगा देंगे इन्हें, अभी भी थाने बेरवे को नहीं आवाया, अभी भी नो आउट, इनको मतलब के है जबकि पोलराइज करना रहे नी बा पड़ेड़ती ने भी को करण ला रही। ठीक है, फिर आप के काम करांगा थोड़ा सा और डिग्री एंगल घुमावांगा, फाइनली आप एंगल की करेगा मान लिया आप खड़े तो ही पूग गया, अब अपने कन क्या आवेगी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इनका मतलब क्या होगा, आज की लाइट आई है परपेंडिकुलर आ रही है प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, तो एनालाइजर तक को है इन टाइपों के काम करें, अपने कन एनालाइज करें, जितने डिग्री के ऊपर आप एनालाइजर लगावांगा नी बीते ही डिग्री के अकॉर्डिंग अपन की मिलेगी आउटपुट मिलेगी, और जब आउटपुट नहीं मिलेगी तो आप कहेंगा बा लाइट जकी है अपने हिसाब पोलराइज को नहीं होगी, यानी कि जकी अपनी रिक्वायरमेंट है बिंग अकॉर्डिंग वा कौन बनेगी इस थिंग। तो बिंग खातर दो तरीका हो सके, या तो आप एनालाइजर ने घुमावा ताकि पोलराइजर जो वो पोलराइजर आप लगाए हुए हैं बिंग सागे मैच करती लाइट भी बीमा निकले, जब आप पोलराइजर ने रोक के एनालाइजर घुमा ला रहे हैं तो आप दूसरों केस के कर सका, एनालाइजर ने रोक दियो बोले मान तो आडलती चाहिए। ठीक है, मैं कौन लावा, तो आप क्या काम करांगा
अब पोलराइजर से घुमा देगा, ठीक है। अब पोलराइजर का तो सारा बंक की वेवलेंथ आने लग रही है, सारा बंक की चुकी वे लाइटा है, तब अभी नहीं घुमावांगा वो, जरा अपने एनालाइजर के साथ अब सिंक हो जाएगी नहीं, हाँ मान लो आडी है वो भी आडो आप गिर जाएगा, तो अब वह लाइट अपने घर पास हो जाएगी, अगर पास हो जाएगी तो अपने घर आउटपुट आ जाएगी, तो अपने डिजायर काम चल जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि कोई डाउट इतना है वहाँ, अब एक वर्ड आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक आता है पोलोक्रोमेटिक लाइट, इसके बाद एक आता है डाइमरोमेटिक लाइट, ऐसा ही है। इससे शुरू करो, आपा केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल पढ़े नहीं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके बाद घूमते फिरते गए थे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा ही था। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मोनो मिल रहा है, पोली मिल रहा है, डाई मिल रहा है, हो सकता है ट्राई क्रोमेटिक भी क्या हो, लाइट हो। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिनमें क्या हो, डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है कंसिस्ट करती हो, ठीक है। कोई भी आपने कहा लाइट को सोर्स है और बिंग अंदर जो कि लाइट एमिट होने ला रही है, बाद डिफरेंट वेवलेंथ को कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बिना पाके कहा पॉलीक्रोमेटिक, और जब आप सिर्फ एक टाइप की वेवलेंथ इंट्रोड्यूस होने ला रही है तो बिना पाका मोनोक्रोमेटिक लाइट, और बिंग अंदर जब दो टाइप की वेवलेंथ को कॉम्बिनेशन निकल ला रहा है तो बापनी की हो जाएगी ट्राइक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कने ब्लू लाइट है या ग्रीन ले लियो, रेड लाइट ले लियो, विभगी और पूरो ही ले लियो, VIBGYOR, वोयलेट की वेवलेंथ सारू कम होवे, रेड की वेवलेंथ सारू ज्यादा होवे, वेवलेंथ की वे सारू कम और वेवलेंथ की वे सारू ज्यादा। वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी न्यूज की है बाकी होगी ज्यादा, और इंगी फ्रिक्वेंसी की होगी कम। समझ में आई है बात, कंसेप्ट याद रखियो। जब भी आप विजिबल रीजन की बात करांगा, वॉयलेट टू रेड की तरफ जावांगा, तो वेवलेंथ है वा इनक्रीज होगी और फ्रिक्वेंसी है बाकी होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यू जो होता है सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ हो गई, और न्यू क्या है उसका फ्रीक्वेंसी। डन। अब रहती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आप जब ब्लू लाइट देखते हैं या ग्रीन देखते हैं या येलो ऑरेंज
तो आग अंदर कोई मिक्सिंग तो कोनी हुए नहीं, आपा कोई लट्टू जगा रखे गिरे आपने मान लियो, और वो माछरा रो है पीलियो लट्टू है, तो बिंग अंदर जकी लाइट निकले बस सारी पीली निकले, यहाँ तो कोनी का वो तो पीलो जगन लारे बाद में गुलाबी हो गयो। जब वो सिर्फ पीड़ो ही निकल रहा है इनको मतलब क्या है, बिंग मोज की वेवलेंथ निकल रही है बस सारी, क्या ही है येलो की वेवलेंथ है, येलो लाइट की है, तो एक ही प्रकार की वेवलेंथ आने ला रही है, एक ही टाइप की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी वो प्रोड्यूस करने ला रही है, तो वो सोर्स किया है आपने कहने मोनोक्रोमेटिक लाइट वो सोर्स है। ठीक है, इन अलावा आपने कहने सनलाइट है, ठीक है, सीएफएल की लाइट है, या सिंपल सिंपल बात करें तो व्हाइट लाइट है। ठीक है, आपको पता है मरकरी भी क्या होती है, MERCURY, स्पेलिंग चेक कर लेना, जो मरकरी होती है उसकी भी लाइट क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है, याद रखिएगा। सोडियम लाइट येलो होती है और मर्क्यूरी लाइट क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो व्हाइट लाइट है और डेफिनेशन हमें पता है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, यानी कि व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर क्या है, 7 टाइप के वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन है, 7 टाइप की क्या है फ्रिक्वेंसी है, और ये तो वो 7 है जो अपने को दिखाई देते हैं, बट अपना उद्देश्य पूरा क्या होता है, पोलीएटॉमिक से, तो पोलीएटॉमिक क्या कहता है, जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ के सेट हो, तो उसको पोलीक्रोमेटिक लाइट बोल देंगे। तो ये अंदर देख लियो 7 बांत की है, नहीं अगर 7 बांत है तो एक दो तो ज्यादा है, तो आ लाइट की हो जाएगी पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो जाएगी। अब दिमाग में आ जाएगी अब बात, जब भी कटाई लिखेड़ हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रही है, तो आपा के समझ जावांगा लाइट की वेवलेंथ एक है, यानी कि एक ही कलर की होगी, बा कलर वो आपकी मर्जी में आप दे दे वेवलेंथ दे उसे, ठीक है। और जो आपको पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो आपा के समझागा, अब इन व्हाइट लाइट लगी है बिना पक्की, ठीक है, वो व्हाइट लाइट वो बता भी देगो सन की है या मर्क्यूरी की है। ड्राई क्रोमेटिक और ट्राइक्रोमेटिक आपके होमवर्क के पार्ट है, ये आपको घर जाके देखना है बुक में से कि डाइक्रोमेटिक लाइट कौन सी है मिलेगी और ट्राइक्रोमेटिक लाइट कौन सी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और जो आपको देखनी है, लेजर लाइट, लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, पॉली होती है, डाई होती है कि ट्राई होती है, कौन सी क्रोमेटिक लाइट है ये आपने करना है। उसके बाद तीसरी चीज जो आपकी होमवर्क की है वो है इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं, और इंटेंसिटी से समझने का मतलब ये है कि आप मुझे बताएंगे आसान शब्दों में कि इंटेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है, डेफिनेशन मत बताना क्योंकि डेफिनेशन मुझे ऑलरेडी आती है, ठीक है, आती तो मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग सर्च करें, ठीक है, आसान शब्दों में इसको समझाना है। ठीक है, ये होते ओहो कठरे गया थे और लिख रहा क्यों रे, एक तो लेजर ढूंढ गया ना, केड़ंगो है किसी प्रकार की लाइट है लेजर की, एक इंटेंसिटी के चीज है, ठीक है, और डाइक्रोमेटिक लाइट और ट्राइक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल, ठीक है, वो था ना रही है, डाई है तो 2 टाइप की वेवलेंथ होगी और ट्राई है तो 3 या वेवलेंथ का किया होगा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन किसा सोर्स है जगह की लाइट है डाइक्रोमेटिक और किसा सोर्स है जगह की लाइट है ट्राइक्रोमेटिक है, वो था देखना है। लेकिन बाद में लेजर किसे टाइप की है और इंटेंसिटी क्या चीज है, ठीक है, और एनालाइजर और पोलराइजर आ था ने बेसिक सी डिटेल पे रही है, ठीक है।